नमस्कार अपराह्न प्राइम को स्वागत करुछी मुझ सत्य बुलेटिन को आगे बढ़ावा पूर्व प्रथम आसन देखने को हेडलाइंस प्रदीप सागर द्वीप मध्य लैंडफल कर बात्या अवपात रूप नेला लघुचाप स्थलभाग छुईला बेले 185 किलोमीटर वेगर बहिपे पवन कटक मुंडुली प्रभावित जिला को गला 14 एनडीआरएफ टीम बात्या पूर्व एसआरसी बालेश्वर भद्रक गस्त साइक्लोन पूर्व प्रधानमंत्री समीक्षा स्थिति समीक्षा कले ओडियारे ट्वीट कर दे सूचना उपयुक्त समय स्थानातरण को गुरुत्व बैठक में गृहमंत्री अमित शाह एनडीएमए पावर टेलिकम सह विभिन्न विभाग अधिकारी थिले उपस्थित यस्र मुकाबिला ग्राम जीरो रे जोरदार प्रस्तुति जनभागीदारी रे हेबा बात्यार महामुकाबिला प्रकृतिर तांडव को सामना करने अंटा भिड़िले लोके बड़े कोस्टल बेल्ट रे हाई अलर्ट राज्य 12852 नुआ पॉजिटिव पुणी खोर्धार सर्वाधिक 1909 कटकु 1073 सेपटे देश में 35 दिन पर 2.5 लाख रु कम दैनिक केस गला 3741 जनों जीवन कोरोना काल केमिति हेबो बाकी परीक्षा राज्य सचिवों सह केन्द्र शिक्षामंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक सीबीएसई द्वादश परीक्षा नहीं होपे चूड़ांत निष्पत्ति बुलेटिन आरंभ करने बात्या संपर्कित खबर बाड़ी आसू बात्या यश 26 तारीख में ओडिशा और पश्चिमबंग उपकूल यह लैंडफल करें तेज एथपाय आरंभ हो जोरदार प्रस्तुति भयंकर रूप से माड़ आसू संभाव्य बात्या यस प्रदीप सागर द्वीप मध्य लैंडफल कर संभाव्य बात्या वर्तमान लघुचाप अवपात में परिणत होता बेले आसंता सुधा बात्यार रूप नेब अवपात 26 तारीख में प्रदीप सागर द्वीप मध्य लैंडफल कर स्थलभाग अतिक्रम कला बेले यार पवन रेग घंटा प्रति 155 रु 165 किलोमीटर पर्यंत वर्तमान सामुद्रिक झड़ पूर्व दक्षिण पूर्व प्रदीप ठार 590 किलोमीटर दूर में रही पूर्व दक्षिण पूर्व बालेश्वर ठारु 690 किलोमीटर दूर में बात्या रही बेले दक्षिण दक्षिण पूर्व दीघा ठार 670 किलोमीटर दूर में रही यस आज गोटे अवपात अर्थात डिप्रेशन रे परिणत होइछी यहाँ पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर रे केन्द्रीभूत अच्छी यहाँ क्रमशः उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी काली सकाळ सुधा गोटे बात्यारे परिणत हो पारे तापरे यहाँ उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे यार गति चालू रखिब एवं धीरे धीरे शक्तिशाली होई सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म प्रबल बात्या एवं तापरे अति प्रबल बात्यारे परिणत हेबो 25 तारीख संध्या सुधा एवं 26 तारीख संध्या सुधा यह उत्तर ओडिशा एवं पश्चिमबंग उपकूल को पारादीप एवं सागर आइलैंड मध्यरे अतिक्रम करिबो जेतेबेले यह उपकूल को अतिक्रम करिबो सेतेबेले यहार पवनर बेग गोटे भेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म अर्थात अति प्रबल बात्या रहिबो वर्तमान जो प्राथमिक पूर्वानुमान करा जाइछि से अनुसार जतेबेले बात्या उपकूल अतिक्रम करिबो तार पवनर बेग 155 रु 165 किलोमीटर प्रति घंटा एवं
अति बेसी 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो पारे। ये जो साइक्लोन है ये आईएमडी के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताऊते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही था और बाद में वो 36 घंटे रहते हुए एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में परिणत हो गया। इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए और मुकम्मल होनी चाहिए और इसी के अनुसार एनडीआरएफ ने तैयारी की है और स्टेट के साथ मिलकर तैयारी की है। और जो अच्छी बात है वो ये कि भारत सरकार की तरफ से हाईएस्ट लेवल पर इसका कॉग्निजेंस दिया गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की और कल नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कैबिनेट सचिव महोदय ने की, तो कहने का मतलब है कि इसको पूरी गंभीरता से लिया गया और स्टेट के जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको हम लोग अनुमोदित कर रहे हैं और टीम्स जैसे मांगी जा रही है वो दे रहे हैं और इसी तरह से एनडीआरएफ टीम भी तैनात की जा रही है और जहाँ जरूरत हो रही है एयरलिफ्टिंग के जरिए भी उनको पहुँचाया जा रहा है। बात्या यश प्रस्तुतिर समीक्षा करिछन्ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। स्थितिर समीक्षा पर ओडियारे ट्वीट करि बात्या मुकाबला सरकार प्रस्तुत थिबा सूचना दैछन्ति। प्रभावित अंचल गुड़िकर लोकंकु सहायता जगाई देबा विभिन्न उद्यम संपर्क में आलोचना करिछन्ति। उपयुक्त समय स्थानांतरण बिजुली और जोगाजोग व्यवस्था जेपरि विच्छिन्न न हुए सेथिपाय गुरुत्वारोप करिछन्ति। जेपरि बात्या जगु कोविड 19 रोगीक चिकित्सा बाधाप्राप्त न हुए तापर मध्य गुरुत्व देबा कहिछन्ति प्रधानमंत्री। सेपटे एनडीआरएफ 46 टीम नियोजित थिबा बेले आज आउ 13 टीम पहुँचे 10 टीम को प्रस्तुत रखा जाइछि। इंडियन कोस्ट गार्ड और नौसेना मुतयन अछन्ति। रिलीफ जोगाण सर्च ऑपरेशन रे आउ रेस्क्यू ऑपरेशन पाई हेलीकॉप्टर और जहाज प्रस्तुत हो रहिछन्ति। तटवर्ती अंचल लोकों उद्धार पाई ठीक समय सूचना देवाक अधिकारी मानक निर्देश देते प्रधानमंत्री। विद्युत काट जिते कम हो पार और टेलीकम नेटवर्क ठीक समय काम करबा नै निर्देश देते प्रधानमंत्री। गृह मंत्रालय स्थिति उपर नजर रखी राज्य केन्द्र शासित अंचल पाणीपाग संबंधी अधिकारी 24 घंटा संपर्क में रही। आज समीक्षा बैठक में गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य मंत्री जोगद एनडीएमए पावर टेलिकम भाई विभाग वरिष्ठ पदाधिकारी माने सामिल थे। बात्या पूर्वर बालेश्वर गस्त करिसंती एसआरसी बात्या नहीं समीक्षा करने प्रस्तुतिर तदारख मध्य करिसंती। भद्रक और बालेश्वर में विशेष प्रभाव पकाई पारे बात्या। एहा पूर्वर दुई जिला गस्त करी बात्या प्रस्तुतिर समीक्षा करिसंती एसआरसी प्रदीप जेना। अनेपटे बात्या पूर्वर जनसाधारण को सतर्क करिसंती एसआरसी। ओडिशार समस्त मत्स्यजीवी को सुरक्षित फेराई अणा जाइछि। समस्त कृषकों को अनुरोध करा तांको कृषिजात द्रव्य को सुरक्षित स्थान को नहीं आसतु। तुरंत जल निष्कासन ड्रेनेज सफा लगे कहुई लोकों स्थानातर बात्या आश्रयस्थल परिचालना और पुनरुद्धार बड़ बड़ एनजीओ मानक लड़ा जाए। डाकबाजी जंत्र द्वारा बात्या आसवा पूर्व लोकों आश्रयस्थल को चली जाए। तुरंत न आसिले तुरंत आसिले मास्क दिजा और रैपिड रेस्पन्स टीम पठाई स्वास्थ्य परीक्षा कर। जदि कहीं संक्रमित थिबा जना पड़िबो तांका पई स्वतंत्र व्यवस्था करा जिवो। 17 एनडीआरएफ टीम 20 ओड्राफ 150 पावर टीम प्रस्तुत अछंती। आसंता काले समानंकु विभिन्न जिला को पठा जिवो। बात्या परे गछ काटिबा लागि वन विभाग को मध्य प्रस्तुत रहिबा को कहा जाइछि बोली कहिसंती एसआरसी। एडिक्वेट अरेंजमेंट करा जाइछि इवैक्युएशन करिया पई। आमे सूचना पाइला परे माइक अनाउंसमेंट मध्य गामानकर करिवु। आउ अतीतर आम जो दी तीन टा सर्टफल देखीलु सुवर्णद्वीप लोक रही जाइए तापर थे बात्या आश्रयस्थल को आसिक आउ थे पुणी फेरिक पलैते तेनाली जो छोट छोट जिन आम सब गत दी तीन वर्ष मार्क करटिजेन्ट को नि विचार को जोन बा भल्नरेबल घर जो मान कच्चा घर अच्छी आजबेस्टस घर अच्छी से कच्चा कांथ अच्छी से मानक इवाकुएट करवा एपरिकी स्टर्म सर जो जगह हम पा पशार संभावना अच्छी समुद्र पा पशार संभावना अच्छी
सही भाया जगार इवन कोठा घर थे भी आम से इवाकुएट करवा ऑब्जेक्टिव होची आमे जते दरकार पड़ी इवाकुएट करवा सो दैट वी कैन सेव ह्यूमन लाइफ। संभाव्य बात्यार मुकाबला राज्य विभिन्न जिला को पठा जाइछि एनडीआरएफ टीम कटक मंडली प्राय 14 टीम विभिन्न जिला गस्त करिसथि। मयूरभंज को गोटे टीम पठा जाता बेले भद्रक को 4 दल पठा जापर बालेश्वर को 7, जाजपुर को 2, केन्द्रापड़ा को 3 दल पठा जाइए। जगत सिंहपुर को गोटे पठा जाने कि बात्या उद्धार कार्य मुतयन हो विभिन्न स्थान में फसी रही लोकों उद्धार करेंगे। आमर एनडीआरएफ रु टोटल 22 टीम डिप्लॉयमेंट हम जो कि आम 8 टीम मूव कर सारे आउ टीम संध्या सुधा मूव कर बालेश्वर जिला को अधिक टीम टोटल 7 टीम बालेश्वर जिले में रही है। भद्रक 4 टीम रही है। जाजपुर 2 टीम केन्द्रापड़ा 3 टीम रही है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट को आमर मोस्ट मुख्य फोकस कर आज 18 टीम मूवमेंट कर प्लान अच्छे पूरा 18 टीम मूव कर बाकी 4 टीम आम बैटालियन हेडक्वार्टर रे जो बात्यार मूवमेंट देखिकी आवश्यकता अनुसार से डिटेल करम सहित कटिंग इक्विपमेंट अच्छी आम आस्का लाइट सब अच्छी जो अंधार हेले ये करने फास्ट एड जिनस सब अच्छी आम पाखे तो कोविड प्रोटेक्टिव गियर्स सब अच्छी से निजे सुरक्षित करपरेसन करेंगे। अन्य खबर को जेल रु आसला मोस्ट वांटेड विशाल आर्यन राज्य और राज्य बाहर विभिन्न सुना गहना दुकान जाई निजकु इनकम टैक्स ऑफिसर कही कोटी कोटी टंका लुटी इनकम टैक्स ऑफिसर कही ब्रह्मपुर बड़ बजार सुना दुकान रु लुटी लक्ष लक्ष टंका सुना। सोमवार दिन रिमांड आवेदन कर ब्रह्मपुर बड़ बजार पुलिस गत एप्रिल 18 तारीख में विशाल को संबलपुर पुलिस गिरफ्त कर। गाँ भितर चली विदेशी मद कारखाना प्रस्तुत होता नामी दामी ब्रांडर विदेशी मद आ भद्रक जिले चली नकली विदेशी मदर साम्राज्य खोद पंचायत अफिस् पाखे एभली कारबार चली बेले केमी कहीं जापारे ना स्थानीय पुलिस यहाँ को नहीं उठाई प्रश्न। नकली विदेशी मद कारखाना से पुणी चली पंचायत अफिस् पाखे दीर्घ दिन धरी चली मद प्रस्तुति ना जानी पारुथिला अबकारी विभाग ना जानी पारुथिला पुलिस आ दीर्घ दिन धरी चालुथिला मद कारखाना ए दृश्य होछि भद्रक जिला बासुदेवपुर थाना आर्तुंगु पंचायत कार्यालय पाखर दृश्य देखंतु केमिति नामी दामी विदेशी ब्रांड रो मद बोतल रखा जाइछि। बेस किछि दिन धरी एठारे चालीथिला नकली विदेशी मद प्रस्तुति आउ मद जिलार विभिन्न स्थान में बिक्री होथबार अभियोग केन्द्रांचल अबकारी विभाग चढ़ाऊ करी शेषे विपुल मात्रा रे नकली विदेशी मद नकली लोगो बोतल ठिपी 100 लिटर नकली विदेशी मद और 50 लिटर स्पिरिट को जबत करी। घटनास्थल 30,000 टंका जबत करा जाइतबा बेले 2 जन को गिरफ्त करा जाइछि। आमे लास्ट गोटे मास हबो हमर गोइंदा तत्व को भेटी करी बासदेवपुर अंचल रे देखी नजर रखिलु जहाँ आज अर्तुंग बासदेवपुर थाना रे आमे चढ़ऊ करी स्पिरिट 50 लिटर कारामेल 3 लिटर कोर ठिपी 5,000 आदेश लेवल 500 गोटे नाइफ गोटे बकेट आउ कारामेल 3 लिटर आउ जबत करिछु आउ 2 जन को अरेस्ट करिछु आउ तांको आज गिरफ करी पठेबो आउ 30,000 टंका मतो सीज कराइछ। दुई जन संपर्क आउ जन कहउछनी तांकर निजर जन अछंती से ताको आउ धरि पालुनु ताको गोडीछो। केन्द्रांचल गुइंदा विभाग पक्षरु घटना रे परशुराम सिद्धि विग्रह अक्षय बेहरा नामक दुई जन को गिरफ करा जाइतबा बेले घटना रो मास्टरमाइंड एबे भी फेरा रहिछि। भद्रक रु दीप्ति रंजन साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज। दीर्घ दिन धरी शेष हो पारे जनपथर प्रशस्तीकरण कार्य देवालय को भांगी करा जीव रास्ता उन्नति काम देखा रिपोर्ट। स्मार्ट हिबो स्मार्ट सिटी रास्ता भुवनेश्वर शिशु भवन रु बाणी विहार पर्यंत रास्ता रहबो प्रशस्तीकरण
तेबे एथिरे प्रतिबंधक साजिछि किछि देवालय एही देवालय गुडी को अन्यत्र स्थानांतर करबाकु चालिछि योजना बीएमसी रो एही तालिकारे अछि राजमहल रो शिव पार्वती मंदिर मास्टर कैंटीन छकरे थिबा तारिणी मंदिर ओ शहीद नगर रो काली मंदिर तेबे मंदिर स्थानांतर पई अनेक बार नोटिस होइथिले मध्य एहाकु विरोध करिछन्ति मंदिर रो पूजक एटा त ठीक नै हो आउ आमे बा अधिक बा कम बा करिबो सरकार को ऊपर आमे तो किछु नै सरकार जहाँ चाहिबे पदक्षेप आम पदक्षेप ठीक नुहे विग्रह को लेकिन रखा देवोत्तर कमिशन का अनुमति परे एही सब धार्मिक प्रतिष्ठान को स्थानांतर करने को अंटा भिड़ी बीएमसी मंदिर उच्छेद पर विग्रह मान अस्थायी भाव राम मंदिर में स्थापन यूनिट 2 रे चिन्हट सरकारी जमीन एक स्वतंत्र देवस्थल निर्माण कर प्रतिष्ठा कर सूचना देखते बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर लक्ष्मीकांत सेठी अनिर्दिष्ट काल हो कि किसी समय रखी पेर एठारु अन्य जगह को अन्यत्र शिफ्ट करिवे ता अपेक्षा स्थान निरूपण कर एका थरे के तांगु जहाँ भी निर्दिष्ट स्थान दिया गले मु आउचे समस्ते उपकृत हेबे एवं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो जो जनपद को स्मार्ट सिटी रे गणा जायछि आ सेथिरे भी से माने समस्ते उपकृत हेबे एटा खराब नो अवश्य भलो बीएमसी तरफ़ जो मैंने रजिस्टर्ड है कि रास्ता रे हमें दुकान देखिलु बा ओमफेड बूथ अन्यान्य सब करिथिलु ता सहित भक्तिभावपूर्ण जगह केते जगह रे मंदिर तोड़ी लोक पूजा अर्चना मध्य करि आसुथिले एबे जेहेतु प्रशस्तिकरण दायित्व आम नहींचु एवं आपण जानिछन्ति आसन्न बरसात आसीगलाणी मनसून आसीबो ताकू त्वरान्वित करबाकु जाई आमे आदेश क्रमे आमे लगेचु एबे कमिशनर अंडरमेंट को सहित परमिशन नेलु जेतिकि रायट रोड साइड रे ठाकुर देवदेवी अछन्ति तांको सब राम मंदिर प्रांगण रे दीर्घ वर्ष पुरुणा मंदिर उच्छेद और स्थानांतर निष्पत्ति परे साधारण रे मिश्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई भुवनेश्वर चिन्मय साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज पारादीप चिंगुड़ी फैक्ट्री अमोनिया गैस लीक होई तीन जन गुरुतर होती पारादीपगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया लक्ष्मीनारायण चिंगुड़ी फैक्ट्री अमोनिया गैस लीक होता जमापड़ी गैस लीक जो तीन जन महिला गुरुतर होती गुरुतर मानू प्रथम अठर बांकी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र पर कटक को स्थानातर कर फैक्ट्री अमोनिया टैंकर में एक भल्व्रु अमोनिया गैस लीक होता घटनास्थल लक थाना पुलिस और एक टेक्निकल टीम पहुंची तदंत आरंभ कर खबर मिलला जे आमर जो इंडस्ट्रियल रोड रे लक्ष्मीनारायण प्रॉन प्रोसेसिंग यूनिट जो सेठ अमोनिया गैस लीक हवा द्वारा से जो पाखे भड़ा नहीं रोचान तीन जन महिला गुरुतर अवस्था अच्छा आम तुरंत पहुँची डाक्तरखाना ना व्यवस्था कलु व्यवस्था कलापर से अवस्था बहुत सांघातिक थी जड़े ता भितर रेफर भी हो जाती कटक को तापर आम पीपीएल और इनफो तर जो एक्सपर्ट टीम अच्छा से आम इनभाइट कर जगह को आसी जांच करते बर्तमान से जांच करके फेरीगले बर्तमान कौन प्रकार आउ डेंजरस नाही जो कौन प्रकार लोक को आउ क्षति पहुँचला भाया सेम परिस्थिति नाही बोली से आपरे माने फैक्ट्री एंड ब्रॉयलर को इंटीमेशन जीव से माने आसीबे भी जांच करिवे बर्तमान शटडाउन हो जाइछि फैक्ट्री डी समय जे बुलेटिन बर्तमान पर खबर को इट रखा नमस्कार।